आज की सबसे बड़ी खबर आमिर खान किरण राव की तलाक की खबर के बाद बारी पीड़ित और गुनहगार तय करने की। पूरी खबर आपको बता दें, आमिर खान किरण राव की शादी टूटने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों के लिए काम अचानक से बढ़ गया है। आमिर और किरण राव ने जैसे ही जॉइंट स्टेटमेंट में 15 साल पुरानी शादी को रजामंदी से खत्म करने का ऐलान किया, सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स की बाढ़ आ गई। हालांकि दोनों ने रिश्ते खत्म करने का ऐलान किया है, लेकिन इसके पीछे क्या क्या चीजें रही इसका पता नहीं चला है। ये अलग बात है कि सोशल मीडिया पर फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सेपरेशन को लेकर तरह तरह की विवेचनाएं हो रही हैं। मसलन आमिर किरण की शादी टूटने का असली गुनहगार कौन है, पूरे मामले में कैसे और कौन कौन पीड़ित बना, और आमिर की तीसरी चौथी शादियां कब और कैसे होने जा रही हैं? पिछले 24 घंटे में इससे जुड़े करीब आधा दर्जन ट्रेंड ट्विटर पर सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में तीन और बड़ी घटनाएं हुई। एक तो रफाल डील में कथित भ्रष्टाचार को लेकर फ्रांस में न्यायिक जांच करवाने का फैसला लिया गया है, दूसरा उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदला गया, और तीसरा उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत चुनावों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया। मगर ये तीनों बड़े ट्रेंड भी आमिर और किरण की शादी से उपजे ट्रेंड को ज्यादा दबाने में नाकाम रहे। आमिर खान दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति और आप देख रहे थे फ्यूचर तक। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।